सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन पेंसिल्स के बारे में। फैब्रिकेशन 9000, ये मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं और अपने कमीशन वर्क्स ड्रॉ करने के लिए और दूसरे आर्ट वर्क ड्रॉ करने के लिए तो मैं दूसरी चीप पेंसिल्स का यूज़ करता हूँ, बट कमीशन वर्क और मेन आर्ट वर्क्स को ड्रॉ करने के लिए मैंने वाली पेंसिल्स बाई करी है अच्छी क्वालिटी के लिए, क्योंकि जब भी मतलब एक क्वालिटी रहती है ना जिससे एक प्रीमियम चीज़ होती है जिसे आप ड्रॉ करते हो, कि जो प्रॉब्लम्स नॉर्मल पेंसिल को यूज़ करते वक्त इसमें वो सब चीज़ें नहीं आएगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो ये 12 पेंसिल्स का सेट है, 10 बॉक्स के अंदर आया है और डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स है, 2H, 2H, HF, HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 7B, और इनका प्राइस कुछ है 600 रुपीज़। ये 12 पेंसिल का सेट है, इसका प्राइस 600 रुपीज़ है और इसका एक 6 पेंसिल का सेट भी आता है तो आप उसे भी बाई कर सकते हैं, उसका प्राइस कुछ 399 था। बट आप अगर आप उसे बाई कर सकते हैं, उसके अंदर आपको जो यूजुअली जो पेंसिल आती है ड्रॉ करने के लिए HB, 2B, 4B, 6B, 8B, ये ग्रेड्स आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। मुझे यही बेस्ट लगी क्योंकि मेरे लिए मैं जो अपने आर्ट वर्क्स ड्रॉ करता हूँ उसके अंदर मैं ज़्यादातर ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ करता हूँ, उससे ही ड्रॉ करता हूँ मैं। सो फाइन लाइंस के लिए मुझे जो एक्स्ट्रा पेंसिल्स है इसके अंदर B, 2H, F इसकी ज़रूरत थी, और अच्छी क्वालिटी के लिए तो इसमें डार्क पेंसिल से ही। सो ये इसलिए मैंने ये वाला सेट बाई किया। और इन पेंसिल्स की खासियत दूसरी पेंसिल जैसी होती है, जो प्रीमियम पेंसिल दूसरी होती है स्टेडलर वगैरह, स्ट्रॉन्ग लीड होती है, बोल्ड क्वालिटी इनकी अच्छी होती है, और जो चीप पेंसिल में प्रॉब्लम आती है जो फेस करनी पड़ती है हमें शार्पनिंग की, जो लीड ब्रेक होती है वो इसमें नहीं होती, और इसलिए ज़्यादातर आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग्स के अंदर प्रीमियम पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। और इनमें एक फ़र्क ये होता है कि जो डार्कनेस होती है ना, जो ग्रेड्स के अंदर डिफरेंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर जो लाइट डार्क का डिफरेंस होता है वो हमें प्रीमियम पेंसिल्स के अंदर ही मालूम पड़ता है सबसे ज़्यादा। अगर आप दूसरी चीप पेंसिल्स में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो 8B है वो कितनी डार्क है, फिर उससे 6B, आप अगर उनको कंपेयर करोगे प्रीमियम पेंसिल से तो आपको सबसे ज़्यादा जो डिफरेंशिएट है ना चीप पेंसिल में क्या होता है कि जो 6B, 7B, 8B पेंसिल्स हैं उनकी डार्कनेस सेम होती है, उनकी डार्कनेस सेम होती है, आप भले कोई सी भी पेंसिल चेक कर लो। और प्रीमियम पेंसिल्स अंदर हमें एक फ्लो देखने को मिलता है, लाइट टू डार्क की तरफ एक फ्लो देखने को मिलता है, बट जो हाँ डिफरेंशिएट रहता है, जो स्मूथनेस रहती है इनके अंदर ड्रॉ करने के अंदर, जो स्मूथनेस रहती है, जिस वैल्यू जो हमें क्रिएट करनी होती है ना आर्ट वर्क के अंदर, वो हमें प्रीमियम क्वालिटी की पेंसिल में देखने को मिलता है, कि जितना हमें हम ऑब्जर्व कर रहे, जितना हम प्रेशर लगा रहे पेपर के ऊपर, जिससे जो लाइट है या फिर डार्क है, डार्कनेस है जो ऑप्ट होनी चाहिए पेपर के ऊपर, वो चीप पेंसिल से नहीं हो पाती, वो आपकी स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट जो जो चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं पेंसिल्स को लेकर, वो प्रीमियम क्वालिटी की पेंसिल्स में ही होता है। सो ये वाली पेंसिल मैंने बाई करी है अब इनसे, तो बाकी की आर्ट वर्क जो आएगी, बाकी की ड्राइंग्स होगी, ज़्यादातर मैं इससे बनाऊँगा, इसे ड्रॉ करूँगा,